तो फ्रेंड्स एक और शानदार वैकेंसी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला पोस्ट साइंटिफिक ऑफिसर नन ट्रेनिंग स्कूल के अंदर, उसके बाद फ्रेंड्स आपका फायरमैन, ड्राइवर, कैंटीन वर्क असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी पोस्ट स्टैंड, UDC यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर, JSK, JPA, मेडिकल, पारा मेडिकल, यानी कि फ्रेंड्स आपको ऑलमोस्ट 10th 12th ग्रेजुएशन सब के लिए। कुल सीटों की बात करें तो 3844 सीट पे वैकेंसी आने वाली है और इसको पूरा कर लिया जाएगा फ्रेंड्स, फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये PDF में एकदम स्पष्ट किया हुआ है और ये फ्रेंड्स ऐरा गैरा PDF नहीं है, ये आपको बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से निकाला गया PDF है और यहाँ पे जो चीज़ें कही जाती हैं ना वो करके दिखाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स केवल इस वीडियो को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप लोगों का फ्रेंड्स लाइक व्यूज़ अच्छा आ नहीं रहा है और फ्रेंड्स आपको पता है कि हम आपके लिए बस जेन्युइन कंटेंट लेके आते हैं जो कि ओरिजिनल होता है 100%। इसको भी फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप www.jobswalebhaiya.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी डाल दिया है। कुछ लोग को इशू होता है कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वेबसाइट पे भी डाल दिया है, तो जी सीधा गूगल कर लीजिएगा जॉब्स वाले भैया, डायरेक्ट वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी एक्सक्लूसिव है, बहुत ही कम लोगों को पता है, तो अभी से आपको इसके बारे में जानकारी मैं अभी आपको स्टार्ट कर दिया देना। और आपको पता है कि डेली जॉब अपडेट हम लोग लेके आते हैं, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाली है, लास्ट तक आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जो भी अभी फिलहाल आया है उसी के अनुसार। आप लोग का प्यार चाहिए फ्रेंड्स और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं करिएगा फ्रेंड्स तो इतना शानदार कंटेंट आपको डेली शायद ही किसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा आपको और भी अपडेट चाहिए जो भी छोटी छोटी जॉब्स होती है एक दो पोस्ट वाली भी, तो फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे जितनी भी सारी वैकेंसी आती है ना उनका PDF डायरेक्टली डाल दिया जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वन स्पॉट है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ये सारी चीज़ें इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारी फर्जी वैकेंसियाँ देख के आप लोगों का दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है और आपको कोई भी वीडियो फर्जी ही लगती है। मुझे पहले गुस्सा आता था लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों की गलती नहीं है फ्रेंड्स, जो वीडियो बना रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है, बस वो आप लोगों को कुछ से कुछ बता देते हैं और ना ही उसका आपको लिंक मिलता है, ना ही PDF डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन रहता है। तो ये प्रॉब्लम से आपको दूर रहने के लिए आपका पहला फ्रेंड्स अपना चैनल जॉब्स वाले भैया ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी पॉसिबल हेल्प होगा आप ईमेल के थ्रू हमसे ले सकते हैं और ऐसा कोई नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी जॉब के रिगार्डिंग तो आप हमें ईमेल कर दीजिएगा, आपको जवाब 100% मिलेगा उसके बारे में। ठीक है, यानी कि आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है किसी जॉब में या कुछ भी, तो उसके लिए फ्रेंड्स वन स्पॉट सॉल्यूशन है, आप सीधा हमें ईमेल कर दीजिए, ईमेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स, सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे ही काम को और बढ़ाते रहें। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो वैकेंसी है ये निकली है फ्रेंड्स भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि बार्क की तरफ से निकाली गई है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है और ये एकदम मिशन बेसिस पे है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट वाइज नोटिस इतना डेटेड कॉपी एंड क्लोज रिक्वेस्टेड, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज दे इंस्टीट्यूट टू फील्ड अप टू 31/12/2023, यानी कि इसको कंप्लीट प्रोसेस जो है 2023 तक इसको कंप्लीट करके इनको स्टाफ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो एकदम मिशन प्रायोरिटी फॉर द फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी के साथ इनको पूरा कर लेना है, तो जल्दी जॉब अगर जिनको चाहिए, और वो भी फ्रेंड्स ऐसे PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट, बहुत लोग नाम सुने होंगे लेकिन पता नहीं होगा कि PSU होता क्या है, तो हमारे वीडियोस में फ्रेंड छोटी छोटी पॉइंट्स पे भी आपको समझा दिया जाता है ताकि जो भी नए छात्र हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और कोई भी प्रॉब्लम है अभी तो फ्रेंड्स हमारा ईमेल आईडी तो है ही, आप सीधा हमें ईमेल कर दीजिए, ज़रूर आपको जवाब मिलेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को तो मैं सीधा बात भी करता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज़ जुड़ते हैं हमसे और बात भी करते हैं, ठीक है, और वो ईमेल पे पता चलेगा कि कैसे बात करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बात करने के लिए फ़ोन नंबर चाहिए, वो तो फ्रेंड्स फ़ोन नंबर तो डायरेक्ट मैं किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन जो भी जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है दिल से बता रहा हूँ, पूरी हेल्प उनको मिलती है। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट का मतलब है फ्रेंड्स ये भारत सरकार का एक बहुत ही महारत्न कंपनी के हैं, या मतलब एक बेस्ट यूनिट है जहाँ पर आप
करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगे, केवल आपको सैलरी नहीं, आपको जो हाउस रेंट है, डियरनेस अलावेंस है, साथ में जो अलग पर्क्स होते हैं किसी पर्व त्यौहार पे पैसे, सब कुछ आपको अलग से दिए जाएंगे। यानी कि सारी सुविधाएं, यानी कि आपको कोई खर्चा लगेगा ही नहीं, जो भी पैसे यहाँ पे सैलरी मिलेंगे वो सारा का सारा सेविंग होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे फ्रेंड्स ये क्या है, ये वैकेंसी है या क्या है, मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ। तो ये एक प्रायोरिटी बेसिस पे लेटर जारी किया गया है और इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी, और सीधा आप jobswalebhaiya.com से भी जाके कर सकते हैं। तो मत भूलिएगा इसको करना, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस वैकेंसी में तो आपको इसका A to Z सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है कि ये एक लेटर है और इसको प्रायोरिटी बेसिस पे बताया गया है कि क्या क्या वैकेंसियाँ आने वाली है। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया गया है, पहला बार्क के अंदर, दूसरा NFC के अंदर, तीसरा AMD, चौथा HWB, DPS, ICGAR, ठीक है। इन सबों का अपना अलग अलग फुल फॉर्म है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, सारे डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। और सारे डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग यहाँ पे बांट दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो पहला बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सीनियर ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल, ये सारी जोड़ के 2044 वैकेंसी हैं। उसके बाद NFC में आपको फायर पर्सनल, जो मतलब अग्निशामक होते हैं वो, ड्राइवर, कैंटीन, वर्क असिस्टेंट यानी कि सहायक, ग्रुप डी की वैकेंसी हुई 1134। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड हिंदी पोस्ट को जोड़ के 288 आपको AMD में है। अपर डिवीजन क्लर्क और स्टोनो को जोड़ के 165 आपको HWB डिपार्टमेंट में है। DPS में आपको 129 है और ICGAR में 84 है। तो इसमें फ्रेंड सबके लिए है, ITI वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, 10th 12th ग्रेजुएशन सब के लिए, ठीक है। इतना मैं डीपली समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं उनको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं, बस वो लोग सोचते हैं कि बस वीडियो बनी है तो आवेदन कर दें। तो फ्रेंड्स आवेदन करने का लिंक जैसे ही शुरू होगा आपको अपने चैनल पे पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो डेट बताई जा रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि CRI यूनिट्स टू सीक इन्फॉर्मेशन फॉर कंसर्न यूनिट्स अबाउट डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज 30/9 तक इनको जो जितनी भी सीटें जो बताई गई हैं, हो सकता है उसमें और ज़्यादा सीटें बढ़ा दी जाएँ, एक बार कंफर्म करके 30 सितंबर तक क्लियर करना है। और इसके एडवर्टाइजमेंट को फ्रेंड्स जो है कब ये फॉर्म भरी जाएगी, तो 1 दिसंबर से इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा और 1 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छी खासी टाइम आपके पास बची हुई है तैयारी करने के लिए। तो अभी से ही अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए इस वैकेंसी के बारे में या जो भी वैकेंसी हम लोग बताते हैं, तो जुड़ जाइएगा अपने चैनल से जॉब्स वाले भैया से, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। इतना मैं भाषण दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो लंबी कर रहा हूँ, लेंदी कर रहा हूँ, बोरिंग कर रहा हूँ, ये फ्रेंड्स आपकी भलाई के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि एक एक चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका फरवरी में जब एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद रिजल्ट जो है वो मार्च में आ जाएगा और उसके बाद जल्दी से ही जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ऐसा नहीं है रेलवे SSC की तरह आपका किसको जो बोल दिया गया इसका एग्ज़ाम फिर देर किया जाएगा, बहुत समय लगाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें बता दी गई हैं यहाँ पे एकदम उसी डेट को सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करना शुरू करिए और भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप लीडर बनिए, ठीक है। यानी कि अपना नाम को फ्रेंड्स एक पहचान दीजिए अपने शहर में, ताकि आपका भी स्टेटस रहे कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि आपका मोटिवेशन फ्रेंड्स तगड़ा हो सके और आप तैयारी में कोई कमी ना करें, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपको ज़्यादा अगर डिटेल्स में देखना है कि वैकेंसी क्या क्या है, तो इस PDF में आप जाके देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी दिया हुआ है, तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। और जैसे ही फ्रेंड्स वैकेंसी जारी की जाती है तो आपको स्पेशल एक वीडियो आएगी जिसमें आपको क्वालिफिकेशन वाइज मैं बता दूंगा कि किस पोस्ट के लिए क्या मांगा जा रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी क्लियर करके ये नहीं बताया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि 10th 12th डिप्लोमा, ITI, ग्रेजुएशन, BTech सब के लिए है, तो जैसे ही कुछ आता है मैं आपको प्रायोरिटी बेसिस पे इस वैकेंसी को अच्छे से समझा दूँगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।